खाना खाने के बाद लोगों द्वारा कई तरह के माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें लौंग, इलायची, अजवाइन, पुदीना, सौंफ आदि होते हैं। इन माउथ फ्रेशनर में कई तरह के औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अत्यंत फायदेमंद होते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि खाने के बाद सौंफ का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संस्कार हेल्थ मंत्र में। आज की इस कड़ी में हम बात करेंगे हर घर में इस्तेमाल की जाने वाली सौंफ की और उसके औषधीय गुणों के बारे में भी जानेंगे। आचार्य बालकृष्ण जी बताते हैं कि सौंफ के इस्तेमाल से आंखों की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आंखों में अगर जलन या खुजली हो तो सौंफ की भाप लेने से राहत मिल सकती है। सूती कपड़े में सौंफ को रखकर हल्का गर्म कर सेकने से काफी आराम पाया जा सकता है। कुछ लोगों की सांसों से दुर्गंध आती है, ऐसे में सौंफ सांसों की ताजगी बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण है। सौंफ के कुछ दानों को चबाने से मुंह में लार की मात्रा बढ़ जाती है और बैक्टीरिया को दूर करने में मददगार होती है। इस तरीके से मुंह की दुर्गंध से छुटकारा पाया जा सकता है। सौंफ के उपयोग से त्वचा को निखारा जा सकता है। इसके लिए करना बस इतना है कि 1 लीटर उबलते पानी में 1 चम्मच सौंफ डालकर तौलिए को सिर से गले तक कवर कर 5 मिनट भाप लें। ऐसा करने से त्वचा की चमक बढ़ जाती है। आचार्य जी बताते हैं कि सौंफ पाचन शक्ति बढ़ाने में रामबाण है। अक्सर ही खाने के बाद सौंफ को सिर्फ चबाकर खाने से पाचन शक्ति बढ़ती है और साथ ही इससे खून भी साफ होता है। खांसी में सौंफ का इस्तेमाल बेहद लाभकारी है। 50 ग्राम सौंफ को भूनकर मिश्री के साथ खाने से खांसी से राहत मिल सकती है और इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से आवाज की मधुरता बढ़ती है। इसका 2 से 3 दिन इस्तेमाल करने से खांसी को दूर किया जा सकता है। बालों में रूसी और सिर में खुजली की समस्या को दूर करने में भी कारगर है सौंफ। करना बस ये है कि 3 चम्मच सौंफ के पाउडर को 2 कप पानी में मिलाकर मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण से बालों को धो लें। ऐसा हफ्ते में 2 बार करने से रूसी और सिर में होने वाली खुजली से निजात पाई जा सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हेल्थ से संबंधित ऐसी ही जरूरी बातों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हेल्दी रहने के टिप्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।